सब्सक्राइब कीजिए होमवर्क चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन करिए ताकि आप लोग देख पाएं सबसे जल्दी सबसे पहले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज एंड वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं होमवर्क ऑफिशियल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। दोस्तों, मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और दोस्तों, मुझे पता है कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ वीडियो अपलोड करने में और आपको विश करने में, लेकिन दोस्तों मैं काफ़ी बिजी था, इस वजह से मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे या फिर अगर आप नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि WhatsApp का एक नया अपडेट आ चुका है। इस अपडेट में दोस्तों 3 फीचर आए नए, लेकिन हम आज एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, एक ही फीचर पे बात करेंगे। वो फीचर है दोस्तों लोकेशन शेयरिंग का। दोस्तों, इससे पहले हम अगर अपनी लोकेशन शेयर करते थे WhatsApp पे किसी को, तो दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप इंडिया गेट पर हैं, दिल्ली में हैं, इंडिया गेट पर हैं और आपने किसी को अपनी लोकेशन शेयर करी और आप इंडिया गेट से थोड़ा हट जाते हैं, मतलब थोड़ा दाएं बाएं हो जाते हैं, तो आपकी जो लोकेशन होगी वो सिर्फ इंडिया गेट ही देगी। तो दोस्तों, इस चीज़ का इन्होंने अपडेट करके इसको और अच्छे से कर दिया है। अब आप अपनी लाइव लोकेशन शेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा फीचर रहेगा, जैसे कि हम अब इस फीचर के तरीके से दोस्तों हम किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सिस्टर ब्रदर कोई भी हो, छोटा भाई बहन या फिर बड़ा हो और आपको उसकी टेंशन है, या फिर ऐसा कोई बंदा हो जो आपके घर पे आना चाहता है, आपकी ऑफिस में आना चाहता है, या फिर आप जहां बुला रहे हैं वहां आना चाहता है लेकिन उसने एड्रेस नहीं देखा, लोकेशन शेयर कर सकते हैं तो उसे आप तक पहुँचने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आप भी अपनी किसी को लोकेशन शेयर पे देते हैं तो दोस्तों आपको कैसे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक गेम मेरा एक ग्रुप है, इसमें मैं अपनी लाइव जो लोकेशन है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो अपना प्ले स्टोर पर जाके अपडेट कर लें। अगर आप बीटा वर्जन यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों दो फीचर आपको और मिलेंगे। अगर आप बीटा वर्जन यूज़ करना नहीं आता आप लोगों को, तो इस वीडियो के लास्ट में एक आइकन खुलेगा, आप उस आइकन पर क्लिक करके सीख सकते हैं कि WhatsApp बीटा वर्जन को अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों, WhatsApp बीटा वर्जन में जो भी अपडेट आता है, नॉर्मली जो भी WhatsApp में अपडेट आता है उससे काफ़ी टाइम पहले ही बीटा वर्जन में आ जाता है। तो दोस्तों, अब देखिए, अब आपको किसी को अपनी लोकेशन शेयर करना है तो आप, तो दोस्तों नॉर्मली अब आपको किसी के भी चैट पर ओपन करना है जिसको आप अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। शेयर करने के बाद में आप ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको लोकेशन पर क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर जब ही कर सकते हैं जब आपका GPS ऑन होगा, मतलब आपकी फ़ोन की लोकेशन ऑन होगी तभी आप ये शेयर लोकेशन कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद में दोस्तों आपको अपने फ़ोन की जो लोकेशन है या फिर GPS है वो ऑन कर देना होगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन पे जाना होगा। ऑप्शन पे जाके लोकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमको, शेयर लाइव लोकेशन और शेयर सेंड योर करेंट लोकेशन। अब दोस्तों, सेंड योर करेंट लोकेशन तो दोस्तों वो पहले वाला ही वर्जन है एक तरीके से, कि अगर आपने किसी को अपनी लोकेशन शेयर करी तो आप अगर इंडिया गेट पे हैं तो वो इंडिया गेट ही शो करेगा, और अगर आप इधर उधर हो गए थोड़ा तो वो आपकी लाइव लोकेशन शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं कि आप जहाँ जहाँ चल रहे हैं एक एक सेकंड में आप किसी को अपने लोकेशन की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि मैं यहाँ इधर जा रहा हूँ, तो दोस्तों आप शेयर लाइव लोकेशन पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब आप को ये डिसाइड करना होगा, ये सेलेक्ट करना होगा कि आप उसे अपनी लोकेशन कितनी देर तक शेयर करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट मिल रहे हैं, 1 आवर मिल रहा है और 8 आवर मिल रहा है। तो दोस्तों 15 मिनट, 1 घंटा और 8 घंटे मिल रहे हैं आप लोगों को। अगर आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उतनी देर तक वो आपकी लाइव लोकेशन देख सकता है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है ये, एक तरीके से दोस्तों हर किसी के लिए सही है ये फीचर। इसके बाद में आप कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट डालने के बाद में जैसे कि दोस्तों मैं हाय लिख देता हूं और यहां पे शेयर कर दें। अब शेयर करने के बाद में दोस्तों आप सेंड करने के बाद में अब देखिए यहां पर 1 घंटे तक, शायद मैंने 1 घंटे तक ही लगाया था। अब दोस्तों 1 घंटे तक मेरी कोई लोकेशन, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ वो बंदा देख सकता है कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक कर दें तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटी सी वीडियो WhatsApp के अपडेट के बारे में, लाइव लोकेशन के बारे में, कि आप किसी को कैसे सेंड कर सकते हैं और अपने पास तक बुला सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो
और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।